तो कितने दिन की लीव चाहिए? 2-3 दिन तो बात करो यार। सर एक्चुअली 2-3 दिन की तो नहीं चाहिए, ज्यादा ही चाहिए, तो अब इसीलिए मैं आपके पास आया था। तुम्हारा करुण हर 3 महीने का यही है, ज्यादा चाहिए? कितनी ज्यादा? सर एक्चुअली आई एम प्लानिंग फॉर लद्दाख, लेह लद्दाख राइड। वे लेह लद्दाख राइड। दिस हैपेंस विद मी एवरी टाइम आई आस्क फॉर लीव्स। अभी जस्ट शार लेके आया हूँ और अभी बाल बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। अभी मैं बाल सेट करके फिर आपसे बात करता हूँ। अवॉइड दैट। ऑलराइट, तो कैसे हो आप सब लोग? अभी बाल सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज काफ़ी लंबे हो चुके हैं। एनीवेज, आफ्टर अ वेरी गुड शार इट्स टाइम टू स्टार्ट द व्लॉग। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल आपन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम एडी। सो होपफुली आप बिल्कुल घर पे मज़े में हो, सेफली तरीके से अपने घरों पे रह रहे हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस तरह से वियर्ड पोजीशन पे क्यों बैठा, बिकॉज मैं घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ एक ही रूम पे, कितना एंगल ट्राई करने का सोच रहा हूँ। अब जो एंगल मुझे लगा ये थोड़ा बेटर लग रहा था, मतलब थोड़ा सा ऑड है, थोड़ा सा वियर्ड है, बट इट्स ओके, हम चला सकते हो काम थोड़ा सा शॉर्ट के लिए। एनीवेज, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज के व्लॉग का जो टॉपिक है चेंज और आज के ब्लॉग का जो टॉपिक है बहुत ही पूछा गया है मुझसे कि मैडी भाई, हाउ डू यू मैनेज योर राइड्स एंड ट्रैवल्स विद द रेगुलर जॉब। सो विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग इन 3-2-1। तो इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये बेसिकली जो व्लॉग है एक कहानी की तरह है, मेरी लाइफ की कहानी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज जिन लोगों को ये नहीं पता है कि मैं कौन सी जॉब करता हूँ, वेल आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एन IT कंपनी। यस, आई डू द IT जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी। ये IT जॉब काइंड ऑफ टफ भी है, काइंड ऑफ ईजी भी है, बट जॉब जॉब होता है, काम काम होता है। कोई भी काम करो उसमें छुट्टियां लेना डेफिनेटली इट्स काइंड ऑफ ए टफ टास्क। यू नो हाउ टू कन्विंस योर मैनेजर्स एंड डू ऑल दिस स्टफ्स, जितना भी चीज़ें हैं वो मैं आपको इस व्लॉग में बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टोरी इन दिस व्लॉग, सो दैट आपको समझ आए कि अगर आपको छुट्टी लेनी है और अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही है तो आपको कैसे लेनी है। मैं अपनी कहानी भी बता दूंगा और कुछ कहानी जो इतनी लंबी कहानी है उसको तोड़ मरोड़ के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको छुट्टी प्लान करनी है अपनी जॉब के साथ, सो दैट आपकी जॉब को भी हैम्पर ना हो और आपका पैशन या आपको जो भी मन करता है घूमने फिरने का या फिर कुछ भी है तो वो आपको फुलफिल हो जाए। और एक और चीज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस, जो मेरी जॉब है उस जॉब का टाइमिंग्स है 1-10 और यू कैन से 1-10:30 PM, दैट इज़ इन आफ्टरनून शिफ्ट। तो कुछ भी मैं काम करता हूँ अपने YouTube के रिगार्डिंग या कोई भी वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं अपार्ट फ्रॉम दिस टाइमिंग मैं सब कुछ करता हूँ। जैसे मतलब रात को आऊँगा तो फिर मैं अपना एडिटिंग करूँगा, फिर सुबह उठूँगा, फिर जल्दी उठ के फिर मुझे ये सब करना है, फिटनेस का भी ध्यान रखना है। और इन सब चीज़ों के कारण मेरी लास्ट ईयर लोअर बैक में पेन हो गया था काफ़ी, एडिटिंग वगैरह सीख रहा था मैं कुछ, तो बैठे बैठे एंड ऑल्सो आई पुट अप अ लॉट ऑफ वेट, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी थी। तो यस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, बट जिस चीज़ का मन होता है वो डेफिनेटली उसके लिए कोई फिर बहाने नहीं लगता। मन है मेरा यूट्यूब पर व्लॉग डालने का, मन है मेरा ट्रैवलिंग करने का, तो कोई नहीं रोक सकता। वेल, ये तो सब थी थ्योरेटिकल बातें। और इस व्लॉग का जो कहानी का जो तोड़ मरोड़ है वो 3 कैटेगरीज में डिफाइंड है। सो लेट्स टॉक अबाउट दी फर्स्ट कैटेगरी, एंड द फर्स्ट कैटेगरी इज दी प्लानिंग। कैसे प्लान करोगे? अंदर आओ, चलो। ऑलराइट, सो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है प्लानिंग। अभी कोई भी छुट्टी लेनी हो आपको, 10 दिन की, 5 दिन की, 15 दिन की, आपको प्लानिंग करना जरूरी है। सो गाइस, मैं क्या करता हूँ, जब भी नया साल स्टार्ट होता है, जैसे 2020 स्टार्ट हुआ, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैं अपने जो मेरा ऑफिस का पोर्टल है उस ऑफिस के पोर्टल में जाता हूँ, वहाँ पर हॉलीडे लिस्ट आती है पूरे साल की, तो उस हॉलीडे लिस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। उस हॉलीडे लिस्ट में मैं ये चेक करता हूँ कि कब कब मुझे छुट्टियाँ हैं और कितनी। बेसिकली कुछ आपको कैजुअल लीव्स मिलती हैं, कुछ आपको अर्न लीव्स मिलती हैं, आपकी अपनी अपनी कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको लीव्स मिलती हैं। लाइक मुझे साल में 21 छुट्टियाँ मिलती है, प्लस दी गवर्नमेंट हॉलीडेज़, प्लस जो आपको जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उसमें छुट्टी मिलती है। तो मैं पूरे ओवरऑल चेक करता हूँ कि इस पूरे कैलेंडर में मुझे कब कब छुट्टी मिल रही है। तो जैसे मुझे, मान लो मैंने एक पूरे साल का कैलेंडर चेक किया, मुझे उसमें पता चला कि मुझे 10-12 छुट्टियाँ एक्स्ट्रा मिल रही हैं, प्लस दी 21 लीव्स दैट आई गेट इन अ ईयर। सो उस चीज़ को मैं एनालाइज करता हूँ कि ठीक है, मुझे मतलब इस वीकेंड पे यहाँ पे यहाँ छुट्टी मिल सकती है, इस वीकेंड पे यहाँ छुट्टी मिल सकती है। जैसे मान लो वीकेंड्स आर ऑफ इन माई जॉब, सो सैटरडे संडे फ्री हो जाता है, उसके बाद अगर मंडे की छुट्टी है, फ्राइडे की छुट्टी, तो मैं उस चीज़ को एनालाइज करता हूँ कि चला यहाँ पे अपन 3 दिन
जा सकते हैं घूमने कहीं, या फिर राइड पे जा सकता हूँ, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास 3 दिन है, या घर भी जा सकता हूँ, तो वो 3 दिन मुझे मिल गए। तो ऐसे करके मैं पूरा अपना साल का जो एनालिसिस है वो मैं करता हूँ। हाँ, इतनी ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, बट 6 मंथ तक का मैं रखता हूँ कि हाँ मुझे 6 मंथ में ये राइड करनी है। अब आती है राइड की बात कि मैं कौन सी राइड को कैसे प्लान करता हूँ। तो जैसे मान लो मैंने आपको 2020 की एग्जांपल दी, अब 2020 स्टार्ट हो तो सबसे मेन 3 राइड करता हूँ मैं साल की, जो मतलब मेरे जो कैलकुलेशन में होती कि मुझे 3 लॉन्ग राइड्स करनी है। वेल, आई ऑलवेज बिलीव इन लॉन्ग राइड्स, लॉन्ग ट्रैवल्स। छोटी मोटी राइड तो चलो कोई कभी भी एक दो छुट्टी मार ली ऑफिस में, दैट इज़ नॉट ए बिग इशू। सबसे पहली राइड होती है मेरी सर्दियों में, जैसे मान लो जनवरी फरवरी, अब जैसे मैं राजस्थान गया था तो ये एक पहली राइड थी। उसके बाद जैसे अभी मैंने जून जुलाई में सोचा था माउंटेन्स या नॉर्थ ईस्ट या लद्दाख का सोचा है, बट अब लॉकडाउन हो गया तो क्या कर सकते हैं, तो ये दूसरी राइड है। तीसरी राइड है वो मैं लेट ऑफ द ईयर करता हूँ, जैसे लाइक अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, या फिर सेप्टेम्बर में भी कर सकता हूँ अगर मैंने मई जून में की है राइड। तो मैं इस तरह से प्लान करता हूँ कि मुझे 3 राइड करनी है। अब होंगी कितनी, दैट इज अप टू दी लक, क्या होता है आगे, बट प्लानिंग की बात बता रहा हूँ, प्लानिंग कैसे करनी है। अब मुझे 3 राइड करनी है और मुझे उस तरह से अपने काम को मैनेज करना है। सो अगर आप समझ पा रहे हो कि इस तरह से आपको प्लान करना है, आपको पहले छुट्टियाँ को पता होना चाहिए कब कब छुट्टियाँ हैं, उसके बाद आपको अपनी पता होना चाहिए कि राइड क्या करनी है। एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि जैसे मान लो आपको इस साल लद्दाख जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लद्दाख कब खुलता है, लद्दाख में सीजन्स क्या क्या हैं, क्या क्या बजट होगा आपका, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सो दैट आप उस तरह से प्रिपरेशन करके रखो। सो ये तो था ऑल ओवर दी प्लानिंग की हाउ डू यू प्लान एंड हाउ आई प्लान फॉर माई राइड्स। अब बात आती है मेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो है हाउ टू कन्विंस योर मैनेजर और हाउ टू कन्विंस योर बॉस। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड लेट्स सी कि मैं क्या क्या करता हूँ मैनेजर को पटाने के लिए। लेट्स चेंज द एंगल। ऑलराइट गाइस, जो सेकंड पॉइंट है कन्विंसिंग योर मैनेजर और कन्विंसिंग योर बॉस फॉर द लीव्स। यस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क कि आप अपने मैनेजर को किस तरह से कन्विंस करते हो। मैं अपनी बात बताऊं, टेलिंग अबाउट माय स्टोरी, मेरी स्टोरी इस तरह से है कि जैसे मैंने अपनी प्लान की, जैसे मान लो मुझे 20 जून को लद्दाख जाना है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरे पास कितना काम है उस टाइम पे 20 जून के अराउंड, कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा उस टाइम कि मेरे को छुट्टी मिल जाए। सो दैट बेसिकली ITF किसी भी कंपनी में क्या होता है, मैनेजर अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो तो आपको मैनेजर आपको क्या करता है, काम करो, मुझे उससे बाकी से कोई मतलब नहीं, जहां जाना जाओ, छुट्टी आई विल गिव यू। तो काम टाइम पे होना चाहिए। तो ये जो लाइन है काम टाइम पे होना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो काम है उस पीरियड जब आपको छुट्टी चाहिए, आपको वो काम कैसे टाइमली कंप्लीट करना है। अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे काम मेरा कम है तो आपको छुट्टी मिल जाएगी डेफिनेटली। मतलब 15 दिन की अगर आप एकदम से बोलोगे मैनेजर को सर मुझे छुट्टी चाहिए 15 दिन, तो डेफिनेटली पहली बार तो आंसर ये आएगा नो, इनफैक्ट नो भी नहीं, ये आएगा फक ऑफ, जाओ यहाँ से, पागल वागल हो गया, 15 दिन की छुट्टी कौन देता है, इस तरह से आएगा। 15 डेज लीव तो तुम्हें नहीं मिल पाएगी इस बार, बट उसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा, बट प्लीज डोंट बॉदर मी अगेन, सजेस्ट अस करूं लीव प्लीज, आई एम बिजी। तो मैनेजर को आपको फेथ में लेना है, ट्रस्ट में लेना है कि सर मेरा जो ये काम है ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर मेरे को ज़्यादा काम है आपके पास तो डेफिनेटली जस्ट मेक हिम श्योर कि आप जो काम है वीकेंड्स पे आके भी करोगे, सो दैट बिकॉज इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू कि आप 2-3 वीकेंड जाके कुछ काम भी कर लोगे, सैटरडे संडे वैसे ऑफ रहता है, तो आप 2-3 वीकेंड जाके कुछ थोड़ा बहुत काम भी कर लोगे 2-3 घंटे का, देन इट विल मेक अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर बॉस। उनको डेफिनेटली ये लगेगा कि यार ही इज सो पैशनेट अबाउट हिज वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ, अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है या फिर आपको कुछ भी करना है, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा वीकेंड पे आके काम कर रहा है बिकॉज उसको छुट्टी चाहिए, तो मैंने इसको छुट्टी के लिए ना की थी, लेकिन अगर मुझे इसका काम अच्छा लग रहा है तो मैं इसको छुट्टी दे दूंगा बिकॉज इट इज मैनेजेबल, बिकॉज यू आर नॉट दी ओनली वन हु इज वर्किंग इन अ टीम, बिकॉज टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैनेजर का मतलब उसका नजरिया अलग है, डेफिनेटली वो एकदम से छुट्टी भी नहीं दे सकता है, लेकिन वो आपको ना ही करेगा, फिर धीरे धीरे वो ना को हाँ में कन्वर्ट करना आपका काम है। उसको बोलो कि सर मेरा काम है मैं कर लूँगा, और अगर आपका उस टाइम काम ज़्यादा नहीं है या फिर थोड़ा मोटा काम है तो आप उसको बोलो सर मैं ये काम पहले ही करके रख दूंगा, सो दैट उस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओवरऑल प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये इस तरह से आपको इस मतलब कहते हैं ना पटरी पे, इस तरह से पटरी पे चलना है कि वो माने, सो दैट आपका काम भी बन जाए और उसका काम भी बन जाए, सिंपल एज दैट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कन्विंस योर, दिस इज हाउ यू कैन यू नो विन द ट्रस्ट ऑफ योर मैनेजर, विन द ट्रस्ट ऑफ योर टीम, विन द ट्रस्ट ऑफ योर कलीग, सो दैट दे विल गिव यू लीव। और लीव देना मैनेजर्स को भी समझना चाहिए। सो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकंड पॉइंट, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग पॉइंट, मैं इसको काफी लंबे तरीके से समझाने की कोशिश की, सो होपफुली आपको ये समझ आया। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट एंड द थर्ड कैटेगरी इज ट्रैवलिंग। डेफिनेटली अब ट्रैवल करने की बारी है, चलो एंगल चेंज करो, ट्रैवलिंग की बात करते हैं।
एनीवेज गाइस, सो लास्ट पॉइंट है ट्रैवलिंग। जो ट्रैवलिंग की बात है वो मैं आपको इस तरह से बताना चाहता हूँ कि देर आर मेनी इंस्टेंसेस कि जब आप राइड प्लान करते हो, सब चीज़ें करते हो, उसके बाद भी आपकी राइड नहीं हो पाती, तो उस राइड ना होने का जो मतलब रीज़न होता है वो कुछ भी हो सकता है। लाइक मतलब आपका जो फ्रेंड है आपको आपके साथ नहीं जा रहा है, या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको छुट्टी नहीं मिल रही, या फिर आपके ऑफिस में अर्जेंट कुछ ऐसा काम आ गया, तो आप मतलब इट्स वेरी वेरी मतलब ये ऐसी सिचुएशन है जो कि मतलब नॉट एक्सपेक्टेड होती है। अगर आप उस टाइम पे अपना प्लान मान लो एक हफ्ता पोस्टपोन करते हो तो इट विल डेफिनेटली मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन द मैनेजर। ये मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि बिकॉज एक टाइम ऐसा हुआ था मेरे साथ स्पीति के टाइम, मतलब उस टाइम ऐसा नहीं होता कि काम आ गया था, मेरे साथ ऐसा होता कि आई वाज लाइक मेरा प्लान था स्पीति, लास्ट ईयर मैंने स्पीति जब किया था तो मेरा प्लान था लाइक मुझे अभी डेट्स याद नहीं, मान लो 15 जून को मेरा प्लान था, तो 15 जून से एक हफ्ता पहले आई गॉट इल, मुझे मतलब बीमार हो गया था, फीवर वीवर हो गया था, लेकिन उस टाइम भी मैं अपना ऑफिस नहीं मिस किया, मैं ऑफिस जा रहा था, इनफैक्ट कुछ अपना काम भी कर रहा था ऑफिस में जाके, और मेडिसिन पे था, मतलब फीवर था, वायरल फीवर नॉर्मल, ऑफिस के मेडिकल रूम में जाके सो रहा था। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं ये क्यों कर रहा था, बिकॉज मुझे छुट्टियां अपनी वेस्ट नहीं करनी थी। तो गाइस यू हैव टू बी दैट मच पैशनेट। अब मैं तो सीरियसली बताऊँ, मैं बहुत पागल हूँ राइडिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, मेरे को आज लॉकडाउन खुले जी भाग जाओ, अकेला भाग जाऊँ, लेकिन उस टाइम की ऐसी बात बता रहा हूँ, तो मेरा मतलब फीवर था, आई हैड टू टेक लीव, मुझे लीव लेनी चाहिए थी, और इनफैक्ट मैनेजर वॉज ऑल्सो सेइंग कि भाई फीवर है घर पर बैठ, मुझे उसने आके पूछा कि भाई छुट्टी पर चला जा अगर तुझे इतना ही बीमार है। मैंने कहा नहीं सर, देखो मुझे नेक्स्ट वीक जाना है राइड पे, उसके बाद अब ऐसा ना हो कि फिर आप लास्ट मोमेंट पे ये प्लान कैंसिल कर दे, या फिर ये लास्ट मोमेंट पे ये बोले कि नहीं अब तेरे को मैंने 7 दिन की छुट्टी दी थी, अब 5 दिन की, बिकॉज तूने 2 दिन पहले ले ली छुट्टी। सो मतलब ये उनके माइंड में चलता रहता है, और ये आपको अवेयर होना चाहिए कि आपका यू नो मैनेजर किस तरह से, किस फ्रिक्वेंसी में, किस वेवलेंथ में वो सोच रहा है, उसके हिसाब से भी वो ठीक हो सकता है। मेरे हिसाब से जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया, मैंने छुट्टी नहीं ली, मैंने अपनी छुट्टी सेव की, जो छुट्टी मेरे को उस टाइम लेनी थी वो मैंने सेव की, कैसे भी करके 2-3 दिन निकाले, देन आई गॉट रिकवर्ड, और फिर मैं अगले हफ्ते चला गया। और लेकिन जब मैं अगले हफ्ते जाता और मैं पहले भी छुट्टी लेता, देन ही विल डेफिनेटली से भाई तेरी 2 छुट्टियाँ ऑलरेडी हो गई हैं, तो मैं बोलता सर मैं बीमार था, वो कहता मेरा क्या मतलब उससे, आई डोंट गिव अ डैम, तू बीमार है तूने छुट्टी ली, दैट्स ओके, अब तूने आगे 7 दिन की छुट्टी लेनी है, यू हैव टू कट योर 2 लीव्स फ्रॉम देयर। सो ये सब चीज़ें आपको समझनी है, इसलिए मैं बोलो ट्रैवलिंग के टाइम भी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, मतलब मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी ट्रैवलिंग, कैसे आपको ट्रैवलिंग करनी है अगर आप लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसे प्लान पे फंस जाते हो, आप काम के रिलेटेड कुछ फंस जाते हो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, देन इज अ डिफरेंट सिनेरियो, यू हैव टू पोस्टपोन योर, और मे बी यू हैव टू प्रीपोन, बिकॉज ऐसा ना हो कि जिस हफ्ते आपको ट्रैवलिंग करनी उसी हफ्ते आपको काम आ जाए, तो आप एक हफ्ता पहले चले जाओ या एक हफ्ता बाद चले जाओ। सो दिस इज दी होल मतलब This is the whole story that I wanted to share with you. ऐसा मेरे साथ होता है, और इस तरह से मैं अपनी leaves लेता हूँ, मतलब इस तरह से अपना plan करता हूँ। It's very difficult for me, बहुत मुश्किल होता है, मैं ऑलरेडी इंजरी से भी जा चुका हूँ, लोअर बैक पेन और ये वो सब, मतलब आई हैव सीन ऑल दिस स्टेजेस इन माई लाइफ जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं, मतलब रात रात को बैठ के एडिटिंग की है, सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, रात को लेट सो रहा हूँ, तो काइंड ऑफ डिस्टर्ब हो गया था बहुत सारा, तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन एट दी एंड मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, तो मैं करता हूँ। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डू इट, सो लेट्स रोल विद दी आउटरो। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मैं भावनाओं में बह गया, मैं यार भावनाओं में बह गया, चलो अंदर चलो अंदर। ऑल राइट गाइस, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस व्लॉग, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे मैंने छुट्टियाँ लेता हूँ, कैसे मैं अपनी राइड्स प्लान करता हूँ, कैसे नॉर्मल रेगुलर आई टी जॉब में कितना टफ होता है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी होता हो, और अगर आप लोग को भी इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो मतलब छुट्टियों के लिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि आपको छुट्टी नहीं मिल रही और वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल्सो, सो लेट मी नो। गाइस दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस ब्लॉग, होपफुली आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द ब्लॉग, प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस ब्लॉग विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट योर फेवरेट थिंग की मतलब आपको छुट्टी मिलती है या नहीं और कैसे मिलती है, आप मुझे कहानी बताओ अपनी छोटी सी 1-2 लाइन में कहानी बताओ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय फ्रॉम साइड, टिल देन राइड राइट सेफ, राइड हैप्पी, राइड कॉन्फिडेंट, एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खाओ भी मजे करो गाइस, ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो, इसलिए जो करना है लाइफ में करो, मजे रहो, घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी विद योर फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।